एक और बड़ी खबर है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 मार्च को है। पहले 8 मार्च को प्रस्तावित थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लेकिन अभी 10 मार्च को होने वाली है। पीएम मोदी के असम दौरे के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। लोकसभा सीटों पर शेष उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब अन्य लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद अन्य लिस्ट भी सामने आ जाएगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो पहले 8 मार्च को होनी थी, लेकिन समय और ये तारीख बदली है, 10 मार्च को अभी ये बैठक होने वाली है। पीएम मोदी का दरअसल असम का दौरा है और इस वजह से इस तारीख में बदलाव हुआ है। देर रात तक मंथन, इससे पहले जब सूची जारी हुई थी उससे पहले कई बैठकें हुई देर रात तक, या फिर यूं कहे कि अल सुबह तक, और उसके बाद पहली सूची जब भारतीय जनता पार्टी की सामने आई तो उसमें राजस्थान के 15 नाम शामिल थे, लेकिन बाकी रह गए 10। कैसे और किस रणनीति के लिहाज से पार्टी अन्य सीटों पर उम्मीदवारों को उतारती है, इस पर अब हर किसी की नजर है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस की भी आज सीसी की बैठक होने वाली है शाम 6 बजे। माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीसी की बैठक के बाद पहली सूची कांग्रेस भी जारी कर दे, लेकिन क्योंकि बदलाव की बात भी कही जा रही है, कई सीटें ऐसी भी है जहां पर नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बदलाव तारीख में 8 के बजाय अब 10 मार्च को होगी भारतीय जनता पार्टी की सीसी की बैठक। दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही है। आदिति, ये समय में और तारीख में जो बदलाव हुआ है, 8 मार्च की जगह 10 मार्च को अभी ये बीजेपी की सीसी की बैठक होने वाली है, लेकिन ऐसे में अब क्या मानकर चले कि अब कितना ज्यादा मंथन हो चुका है और कितना बाकी रह गया है और कब तक दूसरी सूची आने की संभावना है? देखिए, अभी तो 10 तारीख को टेंटेटिव बताया जा रहा है, संभवतः 10 तारीख को ही होगी, लेकिन तारीखें आगे भी बढ़ सकती हैं। देखिए, पहली जो सूची आई है 195 नामों की, वो आसान थी, उसमें क्लैरिटी थी। अब जो सूची आने वाली है, चाहे फिर वो राजस्थान के 10 नाम हो, देशभर के साउथ के अलग अलग नाम, उनमें अलायंस भी है, उनमें संधि भी है, उनमें और उनमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी टिकटें कटेंगी। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल 10 तारीख को बैठक है। अगर 10 तारीख को बैठक होती है, देख लीजिए कि 11 तारीख की शाम तक सूची आ सकती है, लेकिन अगर 10 तारीख को बैठक नहीं होती है तब आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक जो तारीखें आई हैं जिस पर अभी मोहर लगी है, दरअसल सीईसी की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम टेबल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल 10 तारीख आई है, और अगर 10 तारीख को बैठक होती है तो 11 तारीख की शाम को लिस्ट आ सकती है, जिसमें राजस्थान भी इस बार सूची में होने वाला है। जो 10 जो है राजस्थान का जो बची हुई सीटें उन पर चर्चा होगी। और आपको बता दें, जो बाकी 16 राज्य जिन पर कल कोर ग्रुप की बैठक हुई, आज भी कोर ग्रुप की बैठक है, उनकी भी कई नाम आ सकते हैं, लेकिन जो अब सूचियां आएंगी उसमें कई नए चेहरे दिखेंगे। जैसे राजस्थान के 10 नामों में भी आपको इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अलायंस की स्थिति है दूसरे राज्यों में, साउथ में, अलग अलग जगह, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बार की जो सूची है वो काफी इंटरेस्टिंग और जैसे सरप्राइज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आगे आने वाली सूची में सरप्राइज मिल सकता है राजस्थान के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आदिति बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की पहले सीसी की बैठक होनी थी, लेकिन तारीख में बदलाव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से हुआ है। 10 मार्च को होगी, लेकिन अभी यह भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें भी बदलाव हो सकता है।